से शब्द मूवी देखिए सिर्फ FWF ओरिजिनल्स पर। रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी ने अब तक करीब 32 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। 4 साल बाद रानी इस फिल्म में नजर आई थी। इसके पहले वो अगस्त 2014 में आई फिल्म मर्दानी में दिखी थी। फिल्म मर्दानी के रिलीज से पहले ही रानी ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा से अप्रैल 2014 में शादी की थी। हाल ही में एक इंटरव्यू में रानी ने खुलासा किया कि आखिर क्यों उन्होंने आदित्य से शादी की। रानी ने बताया कि वो एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहती थी जिससे वो प्यार करें और उसकी रिस्पेक्ट करें। रानी ने इंटरव्यू में कहा, फिल्म इंडस्ट्री में आप किसी से प्यार कर तो लेते हैं लेकिन रिस्पेक्ट कम ही लोगों की कर पाते हैं, लेकिन आदित्य वो शख्स हैं जिनके लिए उनके मन में हमेशा रिस्पेक्ट रही है। रानी ने कहा कि आदित्य एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी भी है। वो हमेशा दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं और अपने लोगों का साथ देते हैं। ये क्वालिटी इंडस्ट्री में बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है। 90 के दशक के कई ऐसे बाल कलाकार हैं जिन्हें हमने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में देखा है। अब ये बाल कलाकार बड़े हो चुके हैं। पहले ये जितने क्यूट और चुलबुले दिखते थे, बड़े होकर उतने ही ग्लैमरस हो गए हैं। इनकी तस्वीरें देखकर आपकी भी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। और आज हम ऐसे ही 5 बाल कलाकारों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो बड़े होकर कुछ इस तरह दिखते हैं। कुणाल खेमू, राजा हिंदुस्तानी, जख्म और हम है राही प्यार के में बाल कलाकार की भूमिका निभाने वाले एक्टर कुणाल खेमू किसी पहचान के मोहताज नहीं है। कुणाल खेमू आखिरी बार फिल्म गोलमाल अगेन में नजर आए थे। तन्वी हेगड़े, अगर आप 90 के दशक के बच्चे हैं तो आपने सोनपरी तो जरूर देखा होगा। बच्चों के इस पॉपुलर शो में सोनपरी की फ्रूटी काफी मशहूर थी। 26 साल की तन्वी हेगड़े अब काफी ग्लैमरस दिखती हैं। एहसास चन्ना, माय फ्रेंड गणेशा और वास्तु शास्त्र जैसी फिल्मों में काम कर चुके एहसास चन्ना इंडस्ट्री की सबसे फेमस चाइल्ड आर्टिस्ट में गिनी जाती हैं। वैसे अब एहसास काफी बड़ी हो गई हैं और वो बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। अविका गौर, टीवी सीरियल की सबसे छोटी बहू के रूप में कदम रखने वाली अविका गौर ने अपने करियर की शुरुआत सीरियल बालिका वधु से की थी। उन्हें आनंदी के रूप में दर्शकों से खूब प्यार मिला। अविका इसके बाद सीरियल ससुराल सिमरका में रोली के किरदार में नजर आई थी। अविका को साल 2013 में तेलुगु फिल्म उयल्ला जंपला में काम करने का मौका मिला। किंशुक वैद्य, टीवी सीरियल शकला का बूम बूम से पहचान बनाने वाले किंशुक वैद्य अब बहुत ही हैंडसम हो गए हैं। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद वो एक रिश्ता साझेदारी का में काम कर रहे हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री जया बच्चन के बच्चे अभिषेक और श्वेता बच्चन में आम बच्चों की तरह ही खूब लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। इस बारे में श्वेता और अभिषेक खुद बताते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान श्वेता कहती हैं, एक रात मम्मी पापा घर से बाहर गए हुए थे। इस दौरान अभिषेक और मेरी बहुत बुरी लड़ाई हो गई। इस दौरान अभिषेक ने गुस्से में कहा कि मैं तुम्हारे बाल काट दूंगा। मैंने भी कहा कि करने की कोशिश तो करके देखो। इसके बाद अभिषेक ने मेरे कुछ बाल पकड़े और उन्हें काट दिया। इसके बाद मैं उन्हीं बालों के साथ स्कूल गई थी तेल लगाकर। वो कटे हुए बाल देखने में बहुत बुरे लग रहे थे क्योंकि वो मेरे सिर के बीचों बीच थे। दूसरा किस्सा बताते हुए श्वेता कहती हैं, हम शाम को अक्सर बैडमिंटन खेला करते थे। पापा हमारे लिए बैडमिंटन लाए थे। खेलते हुए शटल नीचे गिर गई और मैंने कहा कि मैं नहीं उठा रही शटल, तुम उठाओ। हम दोनों के बीच तू मैं हो गई। श्वेता आगे बताती हैं, इसके बाद फिर से हमारी बड़ी लड़ाई हुई थी। इसके बाद अभिषेक ने मुझे नेट के पोल से बांध दिया था। वो मुझसे बहुत स्ट्रांग था। अभिषेक बताते हैं कि एक बार मैंने श्वेता को शूट भी कर दिया था। वो बताते हैं कि उनका जन्मदिन था, इस दौरान उन्हें एयर गन मिली थी तो उन्होंने उस गन से अपनी बहन को शूट किया था। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।